नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। गया शहर के डीपीएस स्कूल स्थित बिहार कॉलोनी दुभल में एमके ट्रेड्स के तत्वाधान में एसीसी सीमेंट के द्वारा कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। इस तरह का आयोजन करने का मुख्य मकसद है कि बाजार में एसीसी सीमेंट के नाम से नकली ब्रांड बेचा जा रहा है, जिससे कस्टमर को जागरूक करने के उद्देश्य कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान कस्टमर मीट में लोगों को एसीसी सीमेंट के बारे में पहचान के तरीके और उपाय बताए गए। देखा जाता है कि एसीसी सीमेंट के ब्रांड के नाम पर कम कीमत पर बेचा जाता है, जिससे ग्राहक को सीमेंट खराब देने से काफी परेशानी आ रही है। इसलिए एसीसी कंपनी की ओर से ग्राहक मीट का आयोजन रखा गया है और लोगों को सीमेंट के बारे में पहचान के उपाय को बताए गए हैं, ताकि लोग जागरूक रहे और सही चीज को खरीदे। इस दौरान एमके ट्रेड्स के प्रोपराइटर मनीष कुमार ने बताया कि आज एसीसी सीमेंट के ओर से ग्राहक मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें एसीसी सीमेंट की पहचान के बारे में जागरूक किया गया है। उन्होंने कहा कि घर आप एक बार बनाते हैं, इसलिए अच्छे सीमेंट का प्रयोग करें और गुणवत्ता पूर्ण का हमेशा उपयोग करें। दिनांक 14/2/2023 को कस्टमर को जागरूक करने के लिए एमके ट्रेड्स की तरफ से एसीसी कंपनी की तरफ से एक छोटी सी कस्टमर मीट किया गया, जो लोग एसीसी के नाम से बहुत सारे मार्केट में डी बेच रहे हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए इनका इंजीनियर ने सारे पहचान वगैरह वगैरह इन्होंने बताया, ताकि मार्केट में डुप्लीकेट माल ना बिके और लोगों अपने उससे बचें। ज़्यादा कम प्राइस करके कोई बेच दे रहे हैं, माल खराब दे रहे हैं, इसके वजह से लोग को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए हमने कंपनी से बात करके इसके बाद उनके इंजीनियर बुला के उनका सारा पहचान, उनके लोगों और ये करके सारे कस्टमर को मैंने जानकारी दिया कि आप लोग डुप्लीकेट मालों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा आप डीलरों से बात करके अनजान व्यक्ति से सीमेंट वगैरह परचेस नहीं करें। थैंक यू। मैं मनीष कुमार, एमके ट्रेडर्स, दुभल गया। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।